लेकिन आप सबको गाना वो बहुत पसंद आएगा, म्यूजिक एंड सिंगर बाय राहुल मैथियम, इंतजार करेंगे, और लिरिक्स बाय राखी सावंत, क्योंकि मुझे हमेशा जसली अपना जैस्मिन की आंखों में अली के लिए इतना प्यार दिखता था, तो मेरे दिल भी रुक नहीं पाया और मैंने उनके लिए लिरिक्स लिख दिया। मैं भी अच्छी कॉफी बना प्लीज, हाँ मेरे को छूना मत लगाओ प्लीज, नहीं हाँ मेरी कॉफी तुम अच्छी बनाओ, उन लोग के चक्कर में मुझे पानी जैसी कल कॉफी मिल गई थी, सो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं हिंदुस्तान के सब माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस अभी नया येलो फंगस भी निकला है दोस्तों, तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट सारे माता पिताओं को हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चे आपके नीचे खेलने जाए, उसके खेलने के आने के बाद उनको तुरंत मिलाए, हाथ पैर धुलाए, फिर उसको खाना दे, वो खेल के आते बच्चों का पता नहीं हो तो वैसे ही खाना खा लेते हैं, तो किसका यू नो वायरस किसको लग जाए यू नेवर नो। और दोस्तों माँ बाप बच्चे तब सुरक्षित रहेंगे जब माँ बाप उनके लिए दुआ मांगेंगे, सो दोस्तों आसमानी खुदा यहोवा परमेश्वर से आप लोग दुआ मांगे कि आपके बच्चे सही सलामत रहे। मैं अगर मेरे देश के बच्चों को कुछ हुआ ना मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत रोना आएगा, बच्चों को कुछ हो जाए तो मैं बहुत दिल की कमजोर हूँ दोस्तों। राजस्थान में 1400 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, हाँ क्यों मुझे पता है, बहुत दुख हो रहा है मुझे उन बच्चों के लिए, दुआ मांगे उनके माँ बाप ऊपर वाले से दुआ मांगे, दवा और दुआ देने वाला भाई साहब वही है ऊपर वाला, आप सोचो ना ईश्वर की दया से जीसस क्राइस्ट के नाम से आज तक मुझे क्यों कोरोना नहीं हुआ, मेरी फैमिली को नहीं हुआ, क्योंकि मैं घुटनों पर आके मेरे घुटने छिल गए, ये पैंट में मत जाओ मेरे घुटने छिल गए, मैं लोगों के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए खुद के लिए मैं दुआ मांगती हूँ और उन सारे बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ, परमेश्वर सारे बच्चों को ठीक रखेगा, ये सारे फंगस भी चले जाएंगे, माँ बाप का कर्तव्य है कि वो ऊपर वाले से दुआ मांगे, ऊपर वाला बहुत दयालु है, ट्रस्ट मी जीसस क्राइस्ट आपके बच्चों को ठीक कर देगा और वो सारे बच्चे ठीक भी हो जाएंगे, यू नो मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ कि बहुत कमजोर थी कि मैं, हाँ मेरी मम्मी ठीक हो गई, अभी कोकिलाबेन में एक महीना उनको वो लेने जाना है इंजेक्शन लाइट रेडिएशन अल्ट्रा नहीं लाइट के अंदर सुलाते ना, कोकिलाबेन में एक महीना जाना है रोज, क्योंकि जब कैंसर तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अगर डॉक्टर एक चांस लेना चाह रहे कि अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो रेडिएशन से निकल जाएगा, और मेरी माँ ये देखो सूरज की रोशनी देखो, ईश्वर की रोशनी मुझे फोकस दे रही है, मुझे किसी लाइट की जरूरत नहीं है, तो ईश्वर आप सबको भी सुरक्षित रखे और मेरे देश के नहीं पूरे धरती के बच्चों को सुरक्षित रखे और उनके माँ बाप को भी सुरक्षित रखे। दोस्तों हेलो बच्चों के माँ बाप, उनको सैनिटाइज करो बच्चों को, उनके खाने में प्रोटीन लाओ और कार्ब ज्यादा मत दो, बाहर का पिज्जा विज्जा बर्गर बंद करो स्विगी से, यहाँ से सॉरी स्विगी वालों मुझे माफ करना, बट बच्चों को अभी प्रोटीन और अच्छा खाना देने की सख्त जरूरत है, स्मूदी और ये, और बच्चों को सुरक्षित रखो, थैंक यू सो मच भाई साहब, मेरे को अभी जाने दो आप, ये मेरा पकड़, और बच्चों को मास्क पहनाओ और उनको बोलो, उनको बोलो राखी दीदी ने बोला है मास्क पहनो वरना जूली आ जाएगी, टाटा बाय बाय, ईशा आप बच्चों का ख्याल रखें, जब भी ये खेलने जाए हैंड पूरा वॉश करें, हाँ ठीक है, और बच्चा मास्क पहनोगे ना, मास्क पहनोगे ना, प्रॉमिस प्रॉमिस, ओके मास्क पहने, बच्चा खुश हो गया, कब से मुझे देख रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी वो कब से, तो मैंने जाके मिल ली, हाँ बोलो ये कैमरा किसका, योगी का चौधरी का ना, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा, हम ईश्वर ने हर इंसान को एक समान बनाया है और हम सब एक समान है, कोई ऊंचा कोई बड़ा,
कोई बड़ी जाति का कोई छोटी जाति का नहीं है, सब एक जाति के हैं। मैं जातियों में विश्वास नहीं करती, मैं सबसे प्यार करती हूँ। जब चांद सूरज उनको सही तरीके से रोशनी देते हैं तो हम इंसान के औकात नहीं कि हम किसी को जज करें। तो आई थिंक युविका चौधरी से छोटी गलती हो गई है, अगर वो माफी मांग लेगी तो हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया, माफी मांग ली, तो देश के जनता ने उनको माफ कर देना चाहिए, बिकॉज वो अच्छी लड़की है युविका चौधरी। और प्रिंस मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और वो बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी किसी का दिल दुखाने वालों में से नहीं है। बट हमेशा याद रखो, किसी भी जाति को बुरा मत बोलो। धन्यवाद। थैंक यू।